गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे गुडविल के बारे में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि गुडविल हमारा सेकंड चैप्टर्स, जो पार्टनरशिप का हमारा सेकंड चैप्टर्स है, उसमें हम लोग को सीखना है कि गुडविल का कैलकुलेशन हम कैसे करें और गुडविल का कैलकुलेशन किस तरीके से करें। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊं कि आज के क्लास में हम लोग थोड़ा उसके थ्योरी को भी देखेंगे, और थ्योरी को देखने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि उसके एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें। चलिए बात करते हैं ये गुडविल क्या होता है। तो बेटा, मैंने एक बड़ा सिंपल सा एक डेफिनेशन दिया हुआ है यहां पर। मैंने कहा गुडविल दैट मीन्स व्हाट, ध्यान से एकदम देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुडविल मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। इस वर्ड को देखिए, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब? एक मैं बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि एक दुकान है, और उस मान लो मिठाई की दुकान है, तो मिठाई की दुकान है, बहुत सारी दुकानें हैं मिठाई की, 50 दुकानें हैं मिठाई की, उसमें से 40 दुकानें ऐसी हैं जहां आप जाते हैं तो लड्डू आपको 100 रुपए के दी मिलता है, लेकिन कुछ दुकान ऐसी है जहां पे वहां पे जाने के बाद वही लड्डू आपको 100 रुपए के जी नहीं, वो लड्डू आपको 200 रुपए के जी मिलता है। फिर भी जब आप उस दुकान में जाते हैं तो आपको उस लड्डू की स्कार्सिटी होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए बेटा होता है कि कुछ दुकानें ऐसी हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मार्केट में गुडविल बन जाती है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट आपको मिलना होता है, उससे भी एक्सेस प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है। कहने का यह मतलब कि जब आपको एक्सेस प्रॉफिट अर्न करना हो, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना हो, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आपके बिजनेस का जो रेपुटेशन है, आपके बिजनेस की जो वैल्यू है, आपके बिजनेस में जो रेस्पेक्ट है, वो बहुत बड़ा हो जाए। तो जैसे ही आपके बिजनेस की का रेपुटेशन इंक्रीज करेगा, वैसे ही आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो गुडविल है, इस गुडविल को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, हमने यहां पर दिखाया मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, गुडविल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तीन तरीके से। नंबर वन इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर टू इज द सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड नंबर थ्री इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैसे हम लोग कैलकुलेट करें। एकदम ध्यान से देखिएगा कि ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। देखो बेटा, ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने कुछ प्रोसेस से होकर के हम लोग को गुजरना है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रोसेस में हमने आपसे कहा कि अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करना है, एकदम मैं जो बता रहा हूं इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो आपको कैलकुलेट करना है, नंबर वन इज द कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट जनरली क्वेश्चंस में गिवन होता है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप क्या है आपका? कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट के लिए ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दैट मींस कि अगर 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, 5 इयर्स का प्रॉफिट अगर दिया हुआ होता है, तो उस टोटल प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे। डिवाइडेड नंबर ऑफ इयर्स, डिवाइडेड नंबर ऑफ इयर्स, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। देन इसके बाद हम लोग स्टेप फोर में क्या करेंगे? इराइव्ड एट गुडविल। तब गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखिए बड़ा आसान है एवरेज प्रॉफिट निकालना, कैलकुलेट करना। मैंने क्या बोला? फर्स्ट इज द कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट,
सेकेंड इज द कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, थर्ड इज द कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ इयर्स। एंड स्टेप फोर, गुडविल कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स। ओके, अब हम लोग यहां से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैं आपको अरब में इसको करके दिखलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले थोड़ा क्वेश्चन को मैं स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताता हूं। क्वेश्चन कहता था, गुडविल ऑफ ए फर्म इज एस्टिमेटेड एट टू इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। टू इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कहने का मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज का, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, टू। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉफिट्स दिया हुआ है, 2014 में प्रॉफिट हुआ कितने का, 15,000 का, ध्यान दीजिएगा। 2015 18,000 का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद 2016 मैंने आपसे कहा कि कभी कभी लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो 2016 में लॉस हो गया हमारा कितने का, 7,000 का। 2017 में प्रॉफिट कितने का है, 10,000 का। इसके बाद देखिए 18 में प्रॉफिट है कितने का, 18 में प्रॉफिट है कितने का, 4,000। देखो बेटा, ये क्वेश्चंस में गिवन है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू गुडविल का निकालना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, नंबर वन इंफॉर्मेशन इज नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू टू। ओके, 14 में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 15 में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 16 में क्या हुआ है, हमारा 7,000 का लॉस हुआ है, 17 में प्रॉफिट है और 18 में प्रॉफिट है। ओके, एकदम ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं, आप लोग क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट आपको क्या निकालना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्ट यहां पे नॉर्मल और टोटल प्रॉफिट की जरूरत है, डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिएगा, एपी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एपी कैलकुलेट करेंगे। तो एपी इज इक्वल टू, एपी में करना क्या है, एकदम ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड ध्यान दीजिएगा, एपी इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो भी प्रॉफिट वाला टर्म आपको दिख रहा है इसको ऐड कर देना है और लॉस वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलिए कीजिए, 15,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 माइनस 7,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बेटा दिया हुआ है, 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा, 2। चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट किया वैल्यू आ जाएगी 1,000। ये बात देखिए, ये बात आपके समझ में आएगी। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिएगा, हम तरफ फॉर्मूले को ऊपर ले जाते हैं। देखिए अब आ गया गुडविल, गुडविल का क्या फॉर्मूला बता रहा है,
टोटल क्या गया? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया? 8000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? आंसर कितना हो गया? 16000। ये है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कहीं से कोई दिक्कत? बहुत आसान है, बहुत इजी है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एवरेज प्रॉफिट में बेटा, ये जो एवरेज प्रॉफिट आप देख रहे हैं, इस एवरेज प्रॉफिट में दो तरीके का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।